Hello guys, so most often people ask me about does finasteride or minoxidil affects your gym capabilities, or either it affects your muscle growth or either it affects your testosterone level. So in today's video I will clear all the facts and myths about this thing. As I myself using minoxidil and finasteride, I'm taking this treatment almost for 4 years. एंड द गुड थिंग इज़ आई एम अ जिम गाय एज वेल ऑलमोस्ट फॉर 2 ईयर्स. सो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ये जो लोग बातें करते हैं कि अफेक्ट करता है जिम कैपेबिलिटीज़ को, ये मिथ्स है यार, फैक्ट्स है. तो तकरीबन 2 साल मुझे हो गए मैं जिम जाता हूँ और 4 साल से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ. सो आई सजेस्टेड एंड फील एनी साइड इफेक्ट्स और एनी रिडक्शन इन माई कैपेबिलिटीज़. सो मिनोक्सिडिल एंड फिनस्टेराइड इज़ टोटली सेफ फॉर योर हेयर ट्रीटमेंट एज़ वेल, और जिम पर भी इसके कोई असरात नहीं है. फिनस्टेराइड के साइड इफेक्ट जो है वो तकरीबन 100 में से 1% लोग को आते हैं, वो भी बहुत माइनर से साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत माइनर से. और जब आप क्विट कर ले तो वो साइड इफेक्ट सारे खुद ही ख़त्म हो जाते हैं. और मुझे अभी तक इन 4 साल में कोई भी साइड इफ़ेक्ट मैंने महसूस नहीं किया, ना मेरे जिम पर कोई इसके असरात है. बिल्कुल मैं प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ, प्रॉपर सप्लीमेंट भी मैं लेता हूँ. और अगर आप मिनोक्सिडिल या फिनस्टेराइड स्टार्ट करना चाहते हैं तो डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आपको सही बता सकते हैं कि आपको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं. मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था और मैं 1 मिलीग्राम फिनस्टेराइड लेता हूँ और मिनोक्सिडिल 5% लेता हूँ, विच इज़ वर्किंग गुड फॉर मी.